आईपीएल 2021। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं अपनी टीम से। जी हाँ दोस्तों, आज मैच है यहाँ पर मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब के बीच में, लेकिन यहाँ पर पंजाब जो है इस मैच को जीत चुकी है। अब हार के बाद में एक रिएक्शन साझा हुआ है इंटरव्यू के दौरान रोहित शर्मा का। वो यहाँ पर जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आपको क्या लगता है क्यों हारे हो आज का मैच, तो रोहित शर्मा आज ये कहते हुए नज़र आए कि पांड्या ब्रदर्स यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कृणाल पांड्या को, कृणाल पांड्या की बॉलिंग पर। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने दूसरा ओवर डाला था, पूरा का पूरा मोमेंटम ही ख़राब हो गया था मुंबई इंडियंस का। जी हाँ, पहले ओवर में बिल्कुल भी रन नहीं आए थे और उसके दूसरे ही ओवर में 15 रन आ गए। दोस्तों छक्के चौकों की बारिश ही हो गई थी कृणाल पांड्या के ओवर के अंदर। फिर वहीं बात की जाए हार्दिक पांड्या की बैटिंग की, तो वैसे भी नहीं चल पा रहे हैं। पिछली बार भी वो एक रन पर आउट हो गए थे और इस बार भी वो एक रन पर आउट हो गए। इससे पहले भी वो 0 रन पर आउट हो गए थे। दोस्तों हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या मुंबई इंडियंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और अगर वो नहीं चलेंगे तो कप्तान को गुस्सा तो आना ही है। जिस तरीके से आज यहाँ पर कृणाल पांड्या फील्डिंग कर रहे थे, वो भी रोहित शर्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ पर कहते हुए नज़र आए कि कृणाल शायद सीरियस नहीं है आईपीएल को लेकर। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन अब देखना लाजवाब होगा कि किस तरीके से पांड्या ब्रदर्स कमबैक करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।